फरीदकोट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल लगी जब सीआई स्टाफ पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह के चार अपराधियों को चार मोटरसाइकिल समेत काबू किया। वहीं दूसरी ओर फरीदकोट की एक गैस एजेंसी से 1,78,000 रुपए और चार मोबाइल फोन छीनने का भी मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने दो फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 22 तारीख तक पुलिस रिमांड हासिल कर केस को सुलझाने की और कार्यवाही शुरू कर दी है। इस अवसर पर डीएसपी जगदीश बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही सभी मामले सुलझा लिए जाएंगे। ये साडे एसए गुरलाल सिंह ये चेकिंग संबंधी सारी चौक फरीदकोट खड़े सी ते उत्ते मुखबर ने आके खास ने दसिया भी इन्हां च जे गुरजीवन सिंह, गुरप्रीत सिंह, लाल बादशाह, सतनाम सिंह ये बंदे जिहड़े हैगे चोरी करदे आ मोटरसाइकिल ते बेचदे आ। ते इहदे उत्ते जदों इहनां नूं चैक कीता तां उत्थे फिर चार मोटरसाइकिल वक्री वक्री थां तों जिहड़े हैगे उह बरामद होए। हाँ, एक होर मुकदमा जिहड़ा सीगा 23-17 नूं अंडर सैक्शन 379 ए बी आई पी सी थाणा सिटी फरीदकोट विच दर्ज होया सीगा। इहदे अंदर 1,78,000 रुपया जिहड़ा सीगा ਉਹ ਆਨੰਦ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ।